नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस पर दिन भर की बड़ी खबरें। खबर अमेरिका के शिकागो से आ रही है। यहां भारत में लागू किए गए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अमेरिका की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको यह भी बता दें कि शुक्रवार को भी देश के कई राज्यों में इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि आज इसकी आंच हरियाणा के सीएम सिटी करनाल में भी पहुंच गई, लेकिन अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय ने शिकागो की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए इस बिल को वापस लेने की मांग की। अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय ने इस बिल को देश के लोगों के लिए हितकारी नहीं बताते हुए कहा कि इससे भारत में रहने वाले करोड़ों भारतीयों पर कठोराघात होगा। आप भी पहले देखिए कि अमेरिका के शिकागो में किस तरह से भारतीय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिका ने भारत में आए अमेरिकी नागरिकों के लिए क्या हिदायतें जारी की हैं। पहले आप देखिए समाचार एक्सप्रेस पर शिकागो के विरोध प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें। आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका में भी भारतीय इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर मचे बवाल के बीच भारत में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एमएनसी की ओर से 19 दिसंबर को जारी किए गए सिक्योरिटी अलर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिक उन इलाकों में जाने से बचे जहां प्रदर्शन हो रहे हैं या किसी भी तरह की हिंसा की आशंका है। साथ ही यह भी कहा है कि लो प्रोफाइल रहें, साथ ही अपने आसपास के लोगों को लेकर जागरूक रहें। कहा गया है कि किसी भी तरह के अपडेट लेने के लिए स्थानीय मीडिया का सहारा लें और अपनी निजी सुरक्षा का ख्याल रखें। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि अपने परिवार और दोस्तों को अपने सुरक्षित होने की जानकारी दें और स्थानीय प्रशासन के आदेश का पालन करें। रूसी सरकार ने अपने नागरिकों को भी सलाह दी कि जो भारत में है या देश की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, सतर्क रहे, भीड़ से बचे और प्रदर्शनकारियों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों का दौरा करने से बचे। पिछले हफ्ते अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा और सिंगापुर सहित कई देशों ने अपने नागरिकों को भारत में पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा करते समय सावधानी बरतने के लिए कहा था। 14 दिसंबर को नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करने, प्रदर्शनों वाले क्षेत्रों से बचने, अपने आसपास के बारे में जागरूक होने, लो प्रोफाइल रहने के लिए कहा। संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ देश के कई शहरों में गुरुवार को निषेधाज्ञा आदेशों का उल्लंघन करते हुए छात्रों समेत हजारों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए। इस दौरान कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में हिंसा हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। देश भर में सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन पर लगी रोक के बावजूद भी सड़कों पर उतरने के चलते सैकड़ों छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। कई मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है, जिससे शहर में यातायात प्रभावित हुआ है। ज्यादातर स्थानों पर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो रहा है और प्रदर्शनकारियों ने नए कानून पर अपना विरोध व्यक्त करते हुए नारे लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही को बर्बरतापूर्ण बताया है। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।